आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे कि हम यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के कस्टमर केयर से कैसे बात कर सकते हैं, वो भी बड़ी ही आसानी से। कुछ सिंपल स्टेप्स में आप यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के कस्टमर केयर से बात कर पाएंगे। ये नंबर आपका है 1800-222-2244। आपको इस नंबर पर कॉल करना है। क�ल करते ही इंग्लिश में सबसे पहले पूछेंगे कि आपको यही लैंग्वेज चाहिए या आपको चेंज करनी है। अगर इंग्लिश में आपको जारी रखना है तो आप एक दबाएंगे, अगर आपको अपनी भाषा को बदलना है तो आप सिंपल सा दो दबा देंगे। इसके बाद ये पूछेंगे कि अब आपको कौन सी भाषा चाहिए। हिंदी के लिए एक दबाएं, इंग्लिश के लिए दो दबाएं। तो आपको हिंदी चाहिए तो आपको यहाँ पर एक दबा देना है। इसके बाद आपको कुछ देर वेट करना पड़ेगा। इसमें ये कुछ आपको ऑप्शंस देंगे जहाँ पर आपको वेट करना है। हिंदी, अगर आप हमारी UPI और व्योम सर्विसेज यूज नहीं कर पा रहे हैं तो कृपया एक दबाएं। अब ये बोलेंगे कि कार्ड हॉट लिस्टिंग के लिए एक दबाएं, अन्य जानकारी के लिए दो दबाएं। तो आपको यहाँ पर दो दबाना है, इसके पहले कोई भी बटन को आपको नहीं दबाना है। ब्लॉक करने के लिए एक दबाइए, अन्य जानकारी के लिए दो दबाइए। हमने यहाँ पर दो प्रेस कर दिया है। अभी यहाँ पर हमारे सामने कई सारे ऑप्शंस खुलकर आने लगेंगे। संबंधित प्रश्नों के लिए हमें पूरे ऑप्शन को सुनना है। जब ये बोलना बंद कर दे तो हमें अगली बटन को दबाना है। पहले आप सुन लीजिए क्या क्या बोल रही हैं। दो दबाएं। खाते से संबंधित सेवाओं के लिए तीन दबाएं। सेल्फ पिन जनरेशन सेवाओं के लिए चार दबाएं। चेक भुगतान रोकने के लिए पाँच दबाएं। लोन के आवेदन के लिए छह दबाएं। अन्य बैंकिंग सेवाओं के लिए सात दबाएं। प्रधानमंत्री जनधन योजना के लिए आठ दबाएं। वरिष्ठ नागरिक या दिव्यांग व्यक्ति के लिए शून्य दबाएं। ग्राहक सेवा प्रतिनिधि से बात करने के लिए नौ दबाएं। अभी आपको यहां पर नौ दबा देना है। अब हमारी कॉल यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के कस्टमर केयर से कनेक्ट हो रही है। हम हमारे ग्राहक सेवा अधिकारी को स्थानांतरित कर रहे हैं। कृपया ध्यान दें, इस कॉल को प्रशिक्षण और गुणवत्ता के लिए रिकॉर्ड किया जा सकता है। नमस्कार, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में आपका स्वागत है। मेरा नाम बकार, मैं भी किस प्रकार सहायता कर सकता हूँ। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही था। आपको वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आपको यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के पासबुक को अपने मोबाइल में डाउनलोड करना है PDF फॉर्म में, तो आप बड़ी आसानी से कर सकते हैं। स्क्रीन पर आ रही आप वीडियो पर क्लिक करके उसके स्टेटमेंट को आप आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके लिए स्क्रीन पर आपको एक वीडियो आ रही है, आपको उस पर क्लिक करना है। वहां पर जाकर आप उस वीडियो को देखिए। मैं आपको उसी वीडियो में मिलता हूं। जय हिंद।